हे एवरीवन, तो आज हम सर करने जा रहे हैं ना भिगोना ना पीसना। सिर्फ 5 मिनट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं ये नाश्ता। और आपको कभी भी मन करे खाने का तो इजली आप बना के खा सकते हैं। और ये बारिश का सीज़न चल रहा है तो आप इजली इसे बनाकर आसानी से खा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बड़ा बाउल ले लेंगे और 1 कप यहाँ पे मैं पानी डाली हूँ, ऐड की हूँ। और इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च। अगर बच्चे को लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज, मीडियम साइज का प्याज मैं बारीक कट करके ऐड की हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। इसे बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। और उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद वाला जो तिल होता है ना, वो हम डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच यहाँ पे डालना है। और आपके पास ब्राउन वाला जो तिल है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अभी सीजन में कम आ रहा है। तो इसके जगह पर आपके पास नहीं हो तो इसके जगह पर आप करी पत्ता बारीक काट करके ऐड कर सकते हैं अगर ना हो तो। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें हम 2 ब्रेड हम डाल देंगे। तो ये ब्राउन वाला जो ब्रेड है ना, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट वाला हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद ये बहुत ही जल्दी ये पानी में घुल जाता है ब्रेड। तो इस तरीके से डाल करके आपको इस चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से जैसे पानी में जाता है ना ब्रेड, तो बहुत ही जल्दी ये घुल जाता है। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और बहुत ईजिली ये मिक्स हो जाता है, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 कप सूजी। तो यहाँ पे सूजी आपके 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 पास बारीक या मोटी वाली हो, वो भी जो भी हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाली हूँ बेसन। तो इस तरीके से डाल करके आपको मिक्स कर लेना है और बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लंग्स या गुठलियाँ ना हो। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताई हूँ, बहुत ईजी है। तो आप ईजिली इसे बना सकते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ। तो आपको ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना है, आपको ना पतला ना मोटा करना है, एकदम मीडियम साइज़ में घोल बनाकर रेडी करना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 1 पैन, और पैन में डाली हूँ 1 चम्मच के करीब ऑयल। और ऑयल में डाल देंगे यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और काला जो सरसों होता है ना, वो हम डाल देंगे। और उसी में हम डाल देंगे जो बैटर में बनाकर रेडी की थी वो। और यहाँ पे आपको लो फ्लेम करने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हाई बिल्कुल नहीं करनी है फ्लेम को, इसको हमें अभी पकाना है। तो इस तरीके से लो फ्लेम करने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। और आपको लगातार आपको इस तरीके से चलाते रहना है, आपको बीच में छोड़नी नहीं है। तो इस तरीके से आपको चलाते रहना है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी एक डो के फॉर्म में आ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको लो फ्लेम पे ही आपको अच्छे से पका लेना है। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी हाई फ्लेम कर दी हूँ ताकि जो ये डो है जो अच्छे से ये मतलब एक डो के फॉर्म में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ। तो आपको यहाँ पे निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद आपको इसको टच करना है। तो इस तरीके से आप टच कर सकते हैं, ये मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म ही है। तो गर्म रहे तभी आपको मसल लेना है ताकि जो नाश्ता है वो चिकना सा बने। तो ये अच्छे से मैं मसल ली हूँ और हाथ को अच्छे से धो करके ऑयल लगा करके और इस तरीके से मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको नींबू का काढ़ ले लेना है छोटा सा, और यहाँ पे राउंड शेप करके आपको यहाँ पे सिलेंडर शेप दे देना है। आप चाहें तो यहाँ पे टिकी का शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं। तो आपको जो शेप पसंद है ना, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये इस तरीके से आप बनाइएगा ना सिलेंडर शेप, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। तो एक एक करके हम सभी नाश्ते को बनाकर मैं रेडी कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दी थी, और एक एक करके हम सभी नाश्ते को इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम करने के बाद आपको इसको फ्राई कर लेना है। ये तो ऑलरेडी सभी चीज़ पकी हुई है, तो इसको हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना बने।
तो इस तरीके से आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको मतलब इसमें कलर लाना है। और बहुत ही अच्छे से ये इसमें कलर आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें कलर आना शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको प्लेट में निकाल लेना है, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो सभी नाश्ते को हम यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सर्व की हूँ सॉस के साथ, आप चाहे थोड़ी चटनी के साथ खा सकते हैं या इसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी से लगता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।